हेलो गाइस, तो हम वापस आ गए हैं पोकेमोन एक्स में। तो अभी तक पता था कि फरफरू को कह रहा था हमने वो सब, तो अभी करना है उसे पकड़ना है। ओके, मैं यहाँ रुकूंगी। अच्छा, तो ये यहाँ रुक रही है, पता ही नहीं क्यों। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लास्ट टाइम वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, चेंज हुआ था कुछ, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ, इसको हम कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, वो बीच बीच के सेंटर में, और हमें उस फरफरू को एक डेड एंड पे लाना है, इस भूल भुलैया में, तो वो टाइम लगेगा बहुत। तो देखते हैं कैसे करना है। अभी देखो, हम आर पार गए इसके, भाई ये भूतनी तो नहीं है हमारे साथ बैठी हुई है। है कहाँ वो, इस तरफ दिख नहीं रहा। इस तरफ है। अच्छा, ये भगा भगा भगा, कितनी तेज भग रहा है भाई, बाहर ही निकल सकता था ये तो। ओ, ये वापस गया बाहर। अब इस तरफ इसे इस तरफ भग गया, तो भाई करना कैसे है। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा वैसा भी है, ये मुश्किल सा है, पजल पजल ही कह सकते हो इसे। अब ये देखो, ये यहाँ रुका हुआ है, तो अब इसे यहाँ खड़ा करे या कहीं और करे, यहाँ खड़ी हो जाएगी ये, देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगी, मतलब इन सर्कल्स में ही होगी, जो ये स्क्वायर सर्कल के स्क्वायर है ना, ये इनके अंदर ही होगी, तो इन स्क्वायर में बनाना है। अब इसको यहाँ खड़ा करना होगा। चलो, हम आर पार जा रहे हैं भाई, हम भूत हैं या वो भूत नहीं है पता ही नहीं, कोई बता दे यार, मुझे तो डर लग रहा है इसको देख के, भूत नहीं। चलो, ये उस तरफ भागी। ये ऐश, तो हम क्लोज हैं उसके। हाँ चलो, अब इसे यहाँ खड़ी कर देते हैं उस तरफ, और हम उस तरफ, फिर वो दोनों ऐसे जाएंगे दोनों तरफ से, तो वो दोनों तरफ के बंद रहेंगे, तो वो वहीं घुसेगा। तो यही है हमारा प्लान। अब इसे यहाँ खड़ा कर रहे हैं। हाँ चलो, यहाँ खड़ी हो जा तू। हाँ चल, तू यहाँ वेट कर, हम उस तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ से उसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा अंदर घुसने के अलावा, भग ही नहीं सकता वो। चलो, घुस गया, अब हो गया खत्म ही पजल। हमने बहुत अच्छा किया, हमने उसे पकड़ ही लिया। ऐश, तुम बहुत ही अच्छे हो। चलो, जिसने जिसका पोकेमन था उसे दे देते हैं। चलो, ओ माय डियर फरफ्रू। चलो, तुम दोनों इतने रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, बकवास बातें नहीं करिए, कि वो क्या बोलते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं हमारी, हम और इतना ज़्यादा हमें वो नहीं, अपनी करनी है प्रशंसा। चलो, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक फायरवर्क करेगा, तो पता नहीं क्या भाई, तुमने मुझे और मेरे पोकेमोन को मिलाया, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं इस ओकेजन पे, और मैं बालकनी में जाऊँ ऊपर सेकंड फ्लोर में, और इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए फायरवर्क्स करें। क्या पता फरफ्रू। अच्छा, उसके पास अच्छा ट्रेनर होता, क्यों अच्छा तो है वो ट्रेनर, अब वो भग गया, अब वो थोड़ी ना गलती है उसकी। हाँ, अगर मैं पोकेमोन होती तो मैं ऐसे नहीं करती। अच्छा चलो, फायरवर्क्स देख रहे हैं, सेकंड उस पे चलते हैं फ्लोर पे। भाई भाई यार, अगर इसकी जगह सरीना होती तो मज़ा आ जाता ना, लेकिन क्या करें यार, ये मेंटल हमारे साथ घूम रही है, ये तो पागल सी लगती है यार, मतलब ये कपड़े पहनती ही क्यों है भाई, पूरी वही रही कर, पूरी नंगी, क्योंकि इसकी जहाँ देख यहाँ, मतलब मैं कैसे बताया, मैं तो कोई वेब कैम थोड़ी ना यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इतनी इतनी सी चड्डियाँ पहनती, चड्डी से भी छोटी पहनती होगी ये, हाँ, और इतनी बेकार पहनती है, ऐसी शर्म भी नहीं आती है ऐसे पहनने में, पूरे ही ना नीचे पहना ही ना करना कुछ, पहनती क्यों है ये बेकार। चलो आगे चलते हैं। चलो चलो चलो,
अरे मैं तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ, भूल गया मैं चलाना तेज़। मैं व्यू को एंजॉय कर रहा था। चलो अब सेकंड फ्लोर में चलना है। मैं एक ट्रैवलिंग मिस्टर हूँ और मैं सोच रही हूँ कि इस वर्ल्ड में अच्छा, ये बकवास बातें कर रही है। ये हमें एक सॉन्ग सुना रही है। अब मुझे ये घटिया सॉन्ग नहीं सुनना और इस घटिया सॉन्ग के लिए टिप भी नहीं देनी है भाई, कुछ बकवास चीज़ें नहीं करना है। ये कितना अनोखा है कि इस प्यारे से आर्किटेक्ट का और पेंटिंग स्कल्पचर इतना अच्छा बनाते हैं यहाँ के स्कल्पचर्स। हाँ भाई, जिसने भी ये स्कल्पचर बनाए वो बहुत ही वो होगा, मतलब जो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट होगा। इससे बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि जब यहाँ डिनर होता होगा तो सब एक साथ मिलके एक फुल कोर्स मील करते हैं। हाँ ओनर के लिए पहले से हर चीज़ है जो उसको मिली। मी अच्छा वो रोज ही एक नए नए पकवान खाता रहता है, ये बता रही थी। तो आगे चलते हैं। ये बुढ़ा अंकल क्या कर रहा है? अरे बात करना हमसे। ओ मैं सोचता हूँ यहाँ का किंग कार्लोस रीजन का। अच्छा है वो आदमी किंग है कार्लोस रीजन का? भाई कैसा अजीब सा इतना मॉडर्न किंग। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं ड्रीम में हूँ। हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि मैं एक ड्रीम में हूँ। इतनी मतलब इतना तगड़ा राजमहल सोने से बना हुआ, मज़ा आ गया। ये रूम कभी एडोर करता था मतलब गोल्ड और सिल्वर वर्क से और ज्वेल्स और मेडल से। अच्छा यहाँ हर जगह ये चीज़ें भरी थी। वाओ चले वाओ वाओ कर रहा है, बकवास बातें। हाँ अब आगे चले, बैठ नहीं सकते यहाँ? नहीं बैठ सकते। चलो आगे। नहीं ये भी बेकार है। इस वाले कमरे में चलते हैं आप। चलो यहाँ एक अंकल आंटी खड़े। अंकल और ये रूम कभी एक अच्छा वेटिंग रूम था ये पोकेमोन के लिए। भाई पहली बार सुना पोकेमोन के लिए वेटिंग रूम। इंसान है या पोकेमोन है? तुम सोचते हो कि पोकेमोन जो यहाँ रहते थे ये इतनी शांति से, वो कितना फनी है। हाँ यार ये भी तो इतना फनी है क्योंकि यार पोकेमोन शांत रहने वालों में से जो यहाँ चुपचाप बैठते थे। मतलब ये तो सोचो कि पहले वाले जो पोकेमोन होते थे वो मतलब कितने वो होते थे, क्या बोलते हैं, अच्छे। किंग के बेड पे कभी सोना नहीं, वो ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता ठीक? हम तो सोएंगे अगर हमें मिलेगा सोने को। यहाँ एक आंटिया खड़ी है। मैंने सुना है किंग बहुत सालों पहले इस गार्डन के लिए बहुत ही नामचीन था। हाँ यार गार्डन तो इसका बहुत ही वैसा है कि वो इसके ऊपर प्राचीन काल की कहानियाँ भी हैं। वही कहानियाँ इसके ऊपर। मैं थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी में चला गया, उसके लिए सॉरी। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी में चला गया। अब चलो इसको देख लिया। इन बुड्ढे से बैठ करते हैं। ये पर्सन जिसने ये पैलेस बनाया है वो बहुत ही ड्रीमफुल वाला होगा, एडमायरेबल होगा। यहाँ का पूरा बिल्डिंग का इतना प्यारा सा एटमॉस्फेयर है भाई, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, शांत। ये पैलेस बिल्ट हुआ था कार्लोस जब वो क्या बोलते वार जीती। मैं सोचती हूँ कि कितने पोकेमोन और इंसान मरे होंगे इसके अंदर। भाई मरे तो खूब होंगे, भाई खूब मरे होंगे। अब इस तरफ चलते हैं। ये आंटी अंकल कौन खड़े हैं? वो तो मेड है। अच्छा मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे थे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिल्ड्रन अच्छे होंगे। वही एक ही बात हुई, पेरेंट्स अच्छे हैं तो चिल्ड्रन गंदे होंगे। ये ओनर है जो इस पैलेस का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसे कमाता है इस पैलेस में टूरिज्म करने में। भाई वो तो पता ही चल रहा है, 1,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे, तो सोच सकते हो कितना पैसा कमा लेता होगा। और ऊपर से इतना सोना है फिर भी पैसा पैसा पैसा। भाई ये है कि किंग्स का बेड लग तो ऐसे ही रहा है। और बैठ गए हम, कैसे लग रहे हैं? हमारा कमरा है। तुम इस प्यारे से बेड पे सोना चाहोगे? हाँ मतलब किंग्स का बेड ही है, हीलिंग कर रहा है हमारी।
चलो हमारी हीलिंग कर दी भाई, शायद ही दिखाते कि एक्शन जैसे हम लेते। भाई मैं तो थंबनेल में लगाता हम बन गए किंग और सो रहे हैं अपने कमरे में मजे से। मजा आ जाता ना। चलो इस तरह कुछ है नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ऊपर ही चलते हैं, वो सारे तो देख लिए। इस आदमी से बात करते हैं, तुम्हें एक बहुत ही प्यारा पोकेमोन मिल प्यारे किंग थे इस पैलेस के। अच्छा अभी जो है उसकी तरह एक और था बहुत ही प्यारा किंग पैलेस का। ठीक है चलो अब दूसरी सीढ़ियों में कुछ और अलग तो नहीं है, इस कारण उस सीढ़ियों से भी देखाते हैं कि उस सीढ़ियों में क्या है। इस तरफ है, ये तीन लड़कियां हैं। मेरी गाइड बुक के अनुसार क्या है। ये अच्छा, हमें कौन सा रूम देखना चाहिए अगला। अच्छा, सोवेनियर इस पैलेस में कहाँ मिलते हैं। हाँ सोवेनियर्स तो पता ही होगा आपको क्या होते हैं, मतलब पैलेस के रिलेटेड चीज़ें वो होती है सोवेनियर्स। पैलेस के रिलेटेड चीज़ें, या एक पैलेस का मिनिएचर सेट हो गया। वो ये चेयर कितनी अच्छी है, इन चेयर को कितनी अच्छी तरह से ब्रिलियंट डिज़ाइन दिया हुआ है और इतनी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। भाई चेयर्स तो एकदम देखो कैसे मतलब जिसने भी गेम बनाया वो बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब चेयर्स पे भी छोटा छोटा वो किया हुआ है, फ्लावर्स से बनाए हुए हैं। पहली बार ऐसा गेम में देखा है, इतनी डिटेलिंग कोई करता होगा क्या, पर पहली बार देखा है। ये भी क्या क्वीन का बेड है, लेकिन एक साथ सोते हुए क्वीन और ये सर। अच्छा, हाँ, तो कोई बकवास चीज बोल रही है कि पहले के किंगों के पास एक पोकेमोन होता था जिनके पास इसोमिया एबिलिटी होती थी, तो पता नहीं किस काम आती है वो। इस लड़की से बात करते हैं। मिरर है जो हॉलवे में, वो रिफ्लेक्ट करता है सीन जो देख दिखता है दोनों बालकनियों से। अच्छा करता होगा कुछ सीन रिफ्लेक्ट, हमें इतना टाइम नहीं है कि सीन देखने जाए, हम तो बस माल इकट्ठा करने आए हैं, कोई उसमें माल मिल जाए तो माल ले लेंगे। ओ इस तरफ तो कुछ ही नहीं है, इस तरफ क्या है देख लेते हैं। यहाँ दूसरा कॉरिडोर आ गया है। यहाँ क्या बोल रहा है ये, यहाँ बालकनी बहुत ही खूबसूरत है। हाँ बालकनी तो बहुत खूबसूरत है, अभी तक देखे नहीं है, देखेंगे। इस लड़की से बात करते हैं। बहुत सालों पहले किंग और उसके पोकेमोन यहाँ एंजॉय करते थे अपना खाना बैठ के टेबल पे। हाँ चलो अच्छी है, हमें भी मिलता खाने को तो मज़ा आ जाता। या मैरिल वार मैरी मैरी मरीन मैरिल पता नहीं क्या नाम है इसका। रील तो बकवास है। रुक जाओ मैरिल, मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ खेलते खेलते। तो तू खेलती क्यों है। तुम मेरे से पूछो तो ये बहुत ही अच्छा बेड है सोने के लिए रात को। ये बहुत ही प्रोबेबली बहुत ही अच्छा है और एंटिक पीस है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, तो ये का खरीदने आए हैं। चलो इस आदमी से बात करते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये पोकेमोन भी ऐसे होते होंगे क्या, ये कौन सी जगह है। अच्छा ये वो जगह आ गई, तो ये तो वो जगह आ गई, इसको छोड़ो। अब इन कमरों में चलते हैं, वहाँ तो एक पोकेबॉल है। देख लेते क्या है। वाओ भाई अच्छा है यहाँ आ गए, नहीं तो एमलेट कॉइन जैसी अच्छी चीज़ छूट जाती है हमसे। एमलेट कॉइन बहुत काम का है, पैसे डबल करवाते हैं हमारे। मैंने सुना है कि अच्छा फॉरबिडन टॉम में कभी एक सीक्रेट ऑफ ब्रिंगिंग, अच्छा एक सीक्रेट है पोकेमोन को वापस लाइफ में लाने का। भाई वो सीक्रेट है उस 7 फीट के आदमी वाला जिसका वो फ्लोइटा पोकेमोन पता नहीं क्या नाम पोकेमोन का, वो वाला पोकेमोन मतलब वो होता है, उसे बहुत पसंद होता है, मर जाता है उसे वापस जिंदा। ये वाला तो देख लिया, अभी वो वाली स्टोरी बाद में कभी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, अभी छोड़ो उस स्टोरी को, मुझे पूरी स्टोरी पता है। यहाँ बालकनी है, वो देखो डॉर्टिनीज लगी हुई है कितनी सारी। इस तरफ क्या है, इस तरफ
ओ अच्छा, इस चीज की बात कर रही है कि वो मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं। देख कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे थे ना, सब डर्टी नहीं। मतलब इतना ज्यादा कोई ध्यान रखता है क्या इन चीजों का? मतलब जिसने भी पोकेमोन एक्स बनाया है ना, उसने कितना ध्यान रखा है इन चीजों का। मतलब वो रिफ्लेक्शन तक दिखाया है इसके उसने। मतलब कहाँ कहाँ कैसी रिफ्लेक्शन होगी, वो सब कुछ दिख रहा है। ये देखो हम भी दिख रहे हैं। मतलब इतना दिमाग किसने लगाया होगा, और इतना ज़्यादा, मतलब वो इतना अच्छा गेम बन कैसे गया, वही बड़ी बात है। इसलिए मुझे ये सबसे अच्छा गेम लगता है। मतलब मेरे फेवरेट गेम्स की भी लिस्ट में आता है। यहाँ शोना खड़ी है, और ये ड्रटीनी से खूब सारी बात करनी होगी शोना से। कट सीन तो नहीं आ रहा कोई, तो बात करते हैं। आ गया कट सीन। कितना अच्छा नजारा है। तुम जानते हो मैंने पहले भी कभी फायरवर्क एक लड़के के साथ नहीं देखा। भैया कुछ हमें पटाने प्रपोज करने की बात तो नहीं कर रही है? दग तो ऐसे ही रहा है भाई, लड़के के साथ नहीं देखा फायरवर्क्स। मैंने कभी भी ये अच्छा ये फायरवर्क कभी भी नहीं भूलूंगी भाई। ऐसी ही बातें कर रही है कि हमें प्रपोज करने वाली, और भूलेगी नहीं कभी ये बात भाई। हम नहीं तो मैं तुम्हें पसंद कैसे आ गया? मुझे तुम बहुत ही गंदी लगती हो। मैं अपनी वीडियो में तुम्हारे बारे में बहुत गंदे गंदा बोलता हूँ, फिर भी तुम हमें पसंद करती हो। तुम्हें मान लिया यार, तुम तो एक महान हस्ती हो। वाह कितना अच्छा फायरवर्क था, मजा आ गया देख के। कुछ बोल नहीं रहे। वाह वो बहुत ही अच्छा था, मैं इसको कभी भूलूंगी नहीं। इसको मैं अपने एल्बम, हार्ट की एल्बम में रखूंगी। अच्छा रख लेना तू। चलो वंडर। अच्छा फायरवर्क्स खत्म हो चुके हैं। ये तुम्हें अच्छा लगा? ओ हम तो भूल ही गए पोके फ्लूट के बारे में। हाँ पोके फ्लूट के बारे में भूल गए हो, वो सही है, हमें स्नोलेक्स को जगाना था। हाँ पोके फ्लूट हो, जल्दी से लेकर आओ। सेबलियर कैसल ट्रेजर। अच्छा ट्रेजर है सेबलियर कैसल का, जो मैं ले आया था एक उसके टैक्स की तरह। भाई ये बहुत ही बकवास आदमी है भाई, हमने तो इसकी हेल्प कर दी, इस कारण थोड़ा हो रहा है। चलो हमें मिल गई पोके फ्रूट। नहीं तो ये क्या बहुत ही बेकार आदमी है, देता नहीं हमें ये पोके फ्रूट, लेकिन हेल्प कर दी इस कारण दे दी, नहीं तो मिलता भी नहीं। लिसन वेल, तुम दोनों देख सुनो, इसको लिए हो तो वापिस भी देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट? तेरे पास के स्नोलेक्स की आर्मी लगी हुई है जिन्हें उठाना पड़ता है। चलो बहुत ही वो होता है, थकावट होती है इसको पैलेस को रन करने में। ने मिस्टर बटलर, तुम कुछ मैगा इवोल्यूशन के बारे में बता सकते हो मुझे? पैलेस के में मिस्टीरियस स्टोन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है। हाय हाय हाय। अच्छा पोकेमोन को इवॉल्व कर देते हैं हाई एनर्जी से। अरे ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हें भी पता होगा मैगा इवोल्यूशन क्या होता है। एक फोर्थ स्टेज इवोल्यूशन हो जाता है किसी पोकेमोन का, की स्टोन और मेगा स्टोन से। मेगा स्टोन दिया जाता है पोकेमोन को, और इसने प्रोटेक्टियन दे दिया, और की स्टोन हम लेके रखते हैं, और जिनको हम एक साथ बॉन्ड करके एक साथ चला सकते हैं। और फिर वो फोर्थ इवोल्यूशन करता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर तक, जब तक यूज़ होता है, मतलब सिर्फ बैटल बैटल तक, उसके बाद ही वापस अपने आप ही हो जाता है। सही, चलो अब हमें वापस चलना है वहाँ क्या बोलते हैं उस आदमी के पास, अरे अजीब सा ही नाम है, सेबिन्यू कैसल वाले, और जगाना है स्नोलेक्स को। तो चलते हैं जल्दी से, और फ्लूट को डिलीवर करते हैं। हाँ चल, वो कितना अच्छा नज़ारा है देखो, जैक रोम रैशीराम। चलो इस तरफ कुछ भी नहीं है। चलो 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 चलो, अब बाहर नीचे चलते हैं सीधे। चलो चलो। अब इस तरह। अब चलो इस तरफ आ गए, अब चलते हैं सीधे। आगे चलते हैं अब।
वाह यार, क्या बड़ा कैसल था। चलो अब हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये जो लड़कियाँ जो यहाँ छोड़ी हुई है मैंने बैटल के लिए, उनको भी कर ही देते हैं खलास काम ठीक। नहीं तो बेकार क्या भाई बेकार, उनको कर मतलब वो बैटल के लिए खड़े रहेंगे, उससे अच्छा तो यही है ना कि उसको वो कर दे, हरा ही दे। तो वो वाली आंटी यहाँ खड़ी हैं। चलो 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 चलो, डेमोन्स्ट्रेट करो अपनी पावर। हाँ तुम भी करो, चलो चलो डेमोन्स्ट्रेट करो अपनी पावर। भाई बाहर से कितनी पतली थी और अंदर से कितनी मोटी है भाई, ये तो छोटा पैक बड़ा धमाका हो गया। हाँ छोटा पैक और बड़ा धमाका, तगड़ा चीज थी। चलो फ्रोगडियर, कौन सा है सबसे पहला? जिगजैगून, वाटरपल से 1 हिट के हो गए, क्योंकि ये ज़्यादा लेवल भी नहीं है और हमारे फ्रोगडियर की कुछ ज़्यादा ही लेवल है। चलो गया 1 हिट के हो, मैंने बोला था ना जिगजैगून 1 हिट के होगा, थोड़ा लैग हुआ उसके लिए सॉरी। इतना चलता है भाई, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक तो भाई रॉल्स आया, रॉल्स के लिए तो बांधते ही सही है। बांधते अपना दिखा दे पावर असली। चलो वाटर पल्स। चलो गया, चलो हो गया। गल पे ना आ रहा है उसके लिए भी यही सही है। 11 लेवल का है, इसको वाटर पल्स करते हैं। ये वाटर पल्स, ये 1 हिट के हो, तीनों तीनों पोकेमोन 1 हिट के हो किए हैं। ये तो 3 बार 1 हिट के हो करने का रिकॉर्ड बना लिया हमने। चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला एपिसोड थोड़ा बड़ा करें क्या, 30 के ही आते हैं, अब 40 का कर लेते हैं ये वाला एपिसोड। और यार पोकेमोन आ गया, पता ही नहीं क्यों पीछे पड़ा हुआ है पोकेमोन। मैं तुझे क्या करूं, पिछली बार भी ये वेनिपीडी आया था, क्या पता ही हमसे हमारे साथ जाना चाहता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग क्या हमारे साथ वहाँ जाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तू तू एकदम अजीब सा बन जाता है, घोड़ा जैसा इवॉल्व होके, मुझे बहुत गंदा लगता है तू, इसलिए मैं नहीं रखने वाला तुझे। चलो इसको भी हरा देते हैं। हाँ चल चल चल, जल्दी जल्दी हरा देते हैं तुझे। और ये भी छोटा पैक बड़ा धमाका, पिकाचू आया है, पिकाचू के लिए फ्रोगेडियर सही रहेगा क्या? लेवल देखनी पड़ेगी लेवल। अरे ये तो 1 हिट के होगा, 1 हिट के हो, या फिर चार्ली में ही कर लेते हैं, कहीं इसको फेंट ना कर दे बेकार। इससे अच्छा है कि चार्ली में चेंज करके सीधे वही कर दे, हम इसे ही फेंट कर दे तो बेकार, रिस्क नहीं लेना। चार्ली दिखा अपना कमाल। एम्बर स्क्रैच, एम्बर मारते हैं। ये एम्बर मारा, ओ नहीं मारा। अरे एम्बर की जगह मुझे शायद ड्रैगन रेज मारना चाहिए था, क्योंकि ड्रैगन रेज 40% डैमेज देता है एचपी का, और ये 11 लेवल का है, इतनी ज़्यादा नहीं होगी इसकी एचपी, कम ही होगी क्योंकि 11 लेवल का ही है। चलो गया ये तो पिकाचू, बाय बाय पिकाचू। अब दूसरा कौन सा है, या फिर हो गया 17 का हो गया हमारा चार्ली। और अब कौन सा आया रे, साइडक की बैटलिंग। अरे मैंने क्यों किया की बैटलिंग, अरे गलती से हो गया यार, मुझे पिकाचू को बुलाना था। पिका नहीं, ड्रैगन रेंज से शायद से मर जाएगा, मर जाएगा तो मुझे एक टॉफी। वाह महरा दिया, वाह यार वाह, मान लिया तुझे आज तो रे, मान लिया तू तो भाई तगड़ा निकला। चलो अब इसको भी हरा दे, पिज्जी को एम्बर से। मर गया, नहीं मरा, चलो नहीं मरा यार, ड्रैगन रेज से मर सकता था लेकिन यार मैं भूल गया। चलो अब स्क्रैच, स्क्रैच से मर जाना चाहिए। चलो ये गया, चलो स्क्रैच से मर गया पिज्जी। और 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है यार, मैं हर चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ, नहीं तो फिर मैं कुछ एक्सप्लोर दूसरे यूट्यूबर की तरह हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो फिर आपको मेरे में अलग चीज़ क्या दिखेगी, यही तो मेरी वो खूबी है। और यहाँ मैंने पौधे उगाए थे, उनका क्या हुआ? वो अरे भाई ये तो पौधे उगाए, वो पौधे उगाए इतने बड़े बड़े ट्रीज, और ये हिल क्यों रहे हैं ऐसे? चलो इससे करते हैं। कौन सा है पोकेमोन? तो ये है, कौन सा है? अरे बताना, अरे ये तो
इसके कारण हमारा ग्रेंजा एश ग्रेंजा को काबू करना आया था, हमारे ग्रेंजा को पावर वो और एश को भी, दोनों को ही वो पावर यूज़ करना आई थी अभी इन इस इसको बचाने के चक्कर में, जब यूज़ में करने आए थे ये पावर है, पता नहीं नाम क्या था, मैं पढ़ना भूल गया। अब इससे करते हैं मैडल, क्या पता वो सेम ही पोकेमोन है, वो सेम ही है। इसको नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम स्प्यूपा स्प्यूपा स्प्यूपा, पता नहीं क्या बकवास पोकेमोन है स्प्यूपा। बकवास तो नहीं है भाई, अच्छा है लेकिन ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बेकार है लेकिन इतना भी बेकार नहीं है। चलो अब कौन सा है, अब की बार अलग आया है, वॉलबीट आया है, वॉलबीट। चलो चलो हाँ चलते हैं यहाँ से, हाँ चलो चलो। अब क्या, चलो हो गया ना। इनमें से ये वाला हिल रहा है, हाँ चलो ये वाला हिल रहा है और कोई नहीं हिल रहा है। चलो इससे करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो ये है वॉलबीट आया, वॉलबीट। चलो रन कर लेते हैं। आगे चलते हैं अब। तो इनको कर ही दिया, ये जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा उसके बाद करूंगा, ये सब करा मत, इनको उगाना फुगाना। उग तो गए आधे, बस इनमें थोड़ा बहुत और वो न है, अब वो कर पा रहे हैं हम वेरी प्लांट, ऑग ऑफ वेरी, ऑग ऑफ वेरी प्लांट कर लेते हैं। चलो पानी दे दिया, हाँ अच्छा, हमें बेरी भी इकट्ठी करके लानी होगी अगर पूरी हर जगह खेती करनी है भाई, बेरी लेकर आनी पड़ेगी ऐसे तो कहीं से, अब ये थोड़े ना कोई बात हुई, बेरी ऐसे तो कहीं कोई बेचता भी नहीं है ज़्यादातर, बहुत ही कम मिलेंगे नमूने, और फिर मैं भूल भी जाता हूँ ज़्यादातर इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को। अब चलो सरोनलैक्स के पास ही चलते हैं सीधे। चलो अब कट सीन आ गया कोई, ये आ गई भक्ति हुई, चलो हम इनने देख लिया। ओ तुम दोनों, तो तुम ला पाए उस पोके फ्लूट को, हाँ लिया है यार, ले तू पोके फ्लूट और इस जगह थैंक्स। चलो इसको, अच्छा, ये बोल रही है कि इसको आप ही चला सकते हो ना, हाँ तो ये बोल रहा है हाँ मैं ही चला सकता हूँ, और ये बोल रहा है कि जब पोके फ्लूट से करेंगे तो ये हमला करेगा तो उस समय तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो ठीक है लड़ लेंगे हम भाई। स्नोरलैक्स को कैच कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, ट्राई करेंगे यार अगर होगा तो कैच। चलो चलो, इसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, ये क्या बात हुई, ओपन इट्स, अच्छा वो खोल रहा है अपनी बड़ी बड़ी आंखें, मैं क्या बोल रहा पता ही नहीं। चलो आ गया स्नोरलैक्स, इसकी आंखें होती भी हैं, कभी खोलते हो तो देखा नहीं मैंने, इसकी आंखें 15 लेवल का है, अच्छी लेवल है। बबल से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ। अब वाटरफॉल्स, ओहो वाटरफॉल्स, नहीं हुआ नहीं हुआ, दो और वाटरफॉल्स लगेंगे हराने में, लेकिन हमें हराना नहीं है, पहले इसको वो ही करें फिर थोड़ा कम उसमें HP। चलो बांते को वापस बुला लेते हैं, चार्ली को बुला लेते हैं, चार्ली ये नॉर्मल टाइप होता है ना, नॉर्मल और शायद फाइटिंग, इसके ऊपर तो हमारा कोई सारी पोकेमोन इफेक्टिव ही नहीं है, तो पता नहीं कैसे करेंगे लेकिन कर लेंगे ज़रूर। चलो एकदम सही HP पे ला के रख दिया। अब इसको क्या यूज़ किया, सीट्रस, अच्छा सीट्रस वैली लेकर घूम रहा था अपने पाउच में, तो वो मार दिया हमें, वो खा ली उसने, स्क्रैच से क्या कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, अरे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेक यूज़ कर रहा है ये, लेक हमें दे दिया डैमेज जितना देना चाहिए था। पोके बॉल अब यूज करते हैं, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, ओ शिट नहीं आया अभी तक,
टाइम लगेगा इसे कैच करने में, देखते हैं कब तक होता है। गाइस इसको बहुत मैंने आधी से ज्यादा पोके बॉल और ग्रेट बॉल सब खत्म कर दिया, अब अल्ट्रा बॉल ही चारा दिख रहा है मुझे इसको पकड़ने का। यार कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया इसने, पता ही नहीं अब अल्ट्रा बॉल में भी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन म्यूट्यू तक आ गया था इसमें इसको तो। ये पागल है। ओ गाइस जो अल्ट्रा बॉल से भी नहीं आया, ये मुझे मार के ही दम लेगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसे मार ही दूँ जिससे कि कुछ तो हमें हो, हम आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि इतनी पोकेबॉल वेस्ट कर दी, अब और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता मैं पोकेबॉल वेस्ट करना। तो थोड़ा दो तीन बार और ट्राई करते हैं, उसके बाद बंद कहानी इसकी। अगर ये आया नहीं तो, मेरी गलती नहीं है यार, हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं क्यों कैच ही नहीं हो रहा, और वो भी इतना कम लेवल का है। हमारे पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा लेवल के हैं इससे, तो पता ही नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। बबल 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 अरे बबल कोई कटाई की मार लो रे, अरे रे 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 मार ले मार ले। इसको पहले ही वो करवाएं क्या? हाँ स्टेटस करवाते हैं, पैरालाइज हील देते हैं इसको, बांधते को हमारे। देखो दोनों फेंट हो चुके हैं मेरे पोकेमन पहले वाले, बिकॉज ऑफ दिस प्राणी इस। ये बहुत ही घटिया पोकेमॉन है, मैं तो इसको करूँगा ही नहीं कैच यार। मतलब दो पोकेमॉन मेरे उड़ा दिए इसने ऐसे ही, मैं पोकेबॉल यूज़ करता गया। चलो बांते ने अपने दोनों भाइयों का बदला ले लिया। चलो मर गया यार, फेंट कर ही दिया इसे, बहुत ही हाफ गए हम तो इसको फेंट करने में यार, दम लग गया सारा इसको फेंट करने में। राउंड सीख रहा है, राउंड हम क्विक अटैक हटा देते हैं, क्योंकि क्विक अटैक भी नॉर्मल टाइप मूव है, ये भी नॉर्मल टाइप मूव है, और इसका ज़्यादा पावर होती है, क्विक अटैक की कम होती है। तो क्विक अटैक को हटाएंगे और फिर भी देख लेते हैं दूसरे अटैक भी। लिक को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो पैरालाइज कर देता है हमारे अपोनेंट को, तो वो फ़ायदा रह जाता है ना, क्योंकि हमारे एक वाटर टाइप है तो उसके लिए अच्छा है। और ये राउंड अटैक, आप अगर मेरे पोकेमॉन लास्ट फायर रेड वाला सीरीज फॉलो करते होंगे तो जब तुम्हें पता चलेगा कि राउंड कितना तगड़ा अटैक है। मतलब ये हमारे जो ग्रेंजा है, शाइनी ग्रेंजा, वहाँ वो इतनी स्पीड में हरा देता था इनको, मज़ा आ जाता था। चलो स्नोलैक्स भाग गया माउंटेन की तरफ। मैं सोच रही हूँ कि स्नोलैक्स कहाँ गया होगा, वो यहाँ सोता है। अजीब सी आवाज़ आई, गुफ गुफ, अरे ये आ गया ओनर। ओ तो अच्छा, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, तो ये पोकी फ्लूट मांगने आ गया अपनी भाई। इतना बकवास आदमी है यार, इतना अमीर होके भी एक पोके फ्लूट जैसी छोटी चीज के लिए इतना वो हो रहा है, ये पागल है। चलो दे दी इसने पोके फ्रूट, ये भी गए, अब ये कुछ बोलेगी? अच्छा उसने तो सब कुछ ठीक कर लिया। तो स्नोलैक जो सो रहा था, अच्छा चलो बकवास बात नहीं करो। ओ यहाँ कोई और कट सीन आ गया, ये टियर्नो, और ये कौन है, ट्रेवर है। अरे तो बकवास बातें बता रहे हैं कि डे केयर, डे केयर हमारे साथ चलो, ये करो वो करो। मुझे डे केयर वाली चीज़ तो बकवास ही लगती है, बस समझ नहीं आता मुझे कुछ। इसके बाद यार एंड करते एपिसोड को, नहीं एंड नहीं करते हैं यार, अभी थोड़ा और खेलना है यार, मन कर रहा है आज खेलने का, तो खेल लेते हैं आगे। ये डे केयर है छोड़ो इसे, अब हील करवा के आना पड़ेगा यार एक बार। चलो स्पीड स्पीड में स्केट से चलते हैं और हील करवा के आ जाते हैं, आगे का कुछ ही नहीं पता, कहीं ट्रेनर फ्रेनर फेन ट्रेनर नहीं आ जाए तो बेकार मेहनत करवाएंगे। ओ कितना ज़्यादा लैग हुआ, सॉरी यार उसके लिए, मैं कितनी सॉरी मांगता हूँ आपसे, कितना लैग हो रहा है, ये लैग हो रहा है या फिर हमारे पोकेमॉन मर चुके हैं और एक मरने की तागार पे इस कारण हो रहा है शायद। अब देखते हैं, एक बार हील करा देते हैं, ये हर बार व्यू चेंज होता है, पोकेमॉन
पोकेमॉन सेंटर की जॉय हर बार करती है अलग अलग व्यू से हमारे पोकेमॉन हील। वेलकम टू पोकेमॉन सेंटर, मैं तुम्हारी हील करूँगी पोकेमॉन, मैंने तुम्हारी हील कर दी है पोकेमॉन, बाद में देखेंगे तुम्हारे दे भाई, तुम क्या देखोगी, तुम्हारी बहनें देखेंगी हमें, मतलब तुम सारी निकम्बी हो नर्सजॉय, हमको छेड़ती रहती है हर समय ये नर्सजॉय, हाँ हर बार हमें ऐसे वो देती है, हमें क्या बोलते हैं इशारा कि क्या बोलते हैं अगले बार मिलेंगे। और गाइज यार अगली बार हम भी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे और अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे यहाँ। तो गाइज बाय बाय।